हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं ये कंप्लीट वेब का कोर्स लेके आया हूं, जिसमें आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक सारा कुछ मिलेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कोडिनेटर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आप काम करते हैं। तो ये है कोडिनेटर, लास्ट बार हमने किया था कि इस तरीके से, है ना। तो चलिए मैं अपना जंप शुरू करता हूँ, यानी कि स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहले स्टार्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। आइए इसको रिफ्रेश कर लीजिए, हो गया। अब जाके हम क्या करेंगे, कोडिंग में जाएंगे। आज से हम थोड़ा सा बहुत कोडिंग के बारे में नॉलेज लेंगे, कोडिंग का शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कोडिंग में जाते हैं। ये है मेरा ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप जाके अपना चूज कर लीजिए। मैंने पहले से यहाँ पे रखा है, लास्ट वीडियो में सेम यही था ना। तो आप जाए एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको हमें आपको या हमको सबको जानना है कि ये क्यों क्यों ए कोड आता है। आप जब वेलकम कोडिनेटर पे जाते हैं तो आपको क्यों इस तरीके से यहाँ पे ये दिखाता है, पहले ये हम जानते हैं। उसके बाद में जानते हैं कि किस तरीके से इसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं इसे, यहाँ पे क्लिक इंटर करने के बाद में देखते हैं। जब भी अगर आपको कोई ये कोडिनेटर नाम का कोई भी कॉल कर रहा है, यानी कि इसको जब चाहता है कि ये प्रिंट हो जाए, तो जब भी जाएगा तो पहले कन्फिग के अंदर जाएगा आपका एप्लीकेशन के अंदर, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पर भी हो। जब भी कोई अगर आपके वेबसाइट के अंदर जाएगा तो पहले जाएगा वो कन्फिग के अंदर। सबसे पहला काम होता है कि कन्फिग के अंदर जाना। उसके जाने के अंदर वो चला जाएगा सबसे नीचे जहाँ पे राउट होगा। यहाँ पे देखिए इस राउट नाम का जहाँ पे होगा वहाँ पे जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा एक। अब डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होगा तो इसके क्या कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले कंट्रोलर आ रहा है उसका नाम है वेलकम। यानी कि जो सबसे पहले कॉल किया जाएगा इस वेबसाइट के जरिए, उसका नाम क्या होगा, वेलकम नाम होगा। यानी कि कंट्रोल के अंदर जाइए। अब देखिए इसका नाम और इसका नाम सेम है, क्योंकि सबसे पहले कम कॉल किया है वेलकम को। अगर यहाँ से मैंने एक भी मिस्टेक कर दिया तो फिर जाके देखिए आपको रिफ्रेश करिए, यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, अब ये नाम और ये नाम फ़र्क हो गया, समझ आ रहा होगा आपको। तो ये आएगा इसके अंदर, वेलकम के अंदर, यानी कि सबसे पहले इसको कॉल किया जाएगा। इसको कॉल करने का मतलब, मैं कमेंट हटा दूँ कमेंट को, उसको कॉल किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले किसको कॉल किया गया, वेलकम को। अब वेलकम का मतलब यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर जो है ना उसको कॉल किया गया है। यानी कि इसके अंदर जो है कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जहाँ इंडेक्स होगा ना, सबसे पहले उसी को कॉल किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर इंडेक्स कहाँ पर है वो खोज रहा है कि इंडेक्स कौन से जगह पर इंडेक्स है। तो अब देखिए पहले इंडेक्स नाम का कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है ना, इंडेक्स एक ही है यहाँ पे, ये है इंडेक्स। अगर इंडेक्स नाम का फंक्शन मिल गया इसको तो इसके अंदर जाएगा और देखिएगा कि जो भी हो इसको प्रिंट कर दो। यानी कि इस वेलकम नाम का मैसेज कोई है उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये सारा जितना आ रहा है ना, ये सारा वेलकम नाम का मैसेज है। और एक किस तरीके से आ रहा है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अभी से कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए कुछ भी नहीं है, यानी कि पहले कॉल किया इसने, कॉल किया वेलकम को, यानी कि क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है, सबसे पहले इसी को कॉल हो जाएगा होगा। ये इस पर कॉल किया, कंट्रोलर पे आ गया। अब इसके अंदर जाएगा तो देखिएगा इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके अंदर देखिएगा कुछ भी नहीं है तो प्रिंट क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको कुछ यहीं पर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं आप, तो देखते हैं हम कुछ और करते हैं। प्रिंट प्रिंट मतलब इको होता है, हेलो वर्ल्ड। अरे भाई क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड। यानी कि मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। एक तो अभी कमेंट है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, आपको पता होगा ये सवाल के बारे में। ये देखिए आ गया, देखिए आ गया यहाँ पे। तो आपको जो यहाँ पे आप चाहते हैं प्रिंट करवाना, क्योंकि वही पाथ फिर से बता रहा हूँ, दोबारा से राउट पे जाएगा, राउट पे देखेगा सबसे पहले कहाँ पे है जाना है, बताएगा वेलकम पे चला जा, वेलकम पे आ गया। यहाँ पे देखिए वेलकम पे आ गया। अब वेलकम के अंदर आएगा तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद में इसके अंदर खोजेगा कि इंडेक्स नाम का कहाँ पे है, तो इसको मिल गया यहाँ पे। अब इसको मिलने के बाद में इसके अंदर जाएगा, देखेगा कि जो भी हो प्रिंट कर दे उसको। तो ये इसको मिल गया, ये वाला मिल गया इसको, तो इसको प्रिंट कर दिया इसने, यानी कि इसको प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड को। लेकिन अगर अगर हेलो वर्ल्ड को, ये तो एक ही है, लेकिन अगर क्या होता कि
किसी 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 नहीं, हर एक कंट्रोलर के अंदर, हर एक जो यहाँ पे कंट्रोलर आपको तमाम मिलेगा, हर कंट्रोलर के अंदर क्या होता है ना कि एक ही नहीं होता फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने और फंक्शन मुझे बनाना है, मैं और बनाता हूँ सेम, आपको समझाऊंगा बाद में ये सारा पब्लिक क्यों लिखते हैं हम फंक्शन। एक और बता दिया मैंने मैसेज नाम का, अब मैसेज नाम का एक और मैंने बना लिया। अब जो यहाँ पे मैसेज था ना, मैं इस मैसेज को मैं यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो जाए, मैं इसको ये कर देता हूँ। यानी कि अब भी आप रिफ्रेश करिए, आएगा वेलकम के अंदर, वेलकम के अंदर खोजेगा इंडेक्स को, अभी इसको नहीं खोजेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे इसे मतलब है सिर्फ एक ही को जो इंडेक्स हो। आप देखिए इसको रिफ्रेश करिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो वेलकम है ना, सिर्फ पहले इसी को कॉल कर रहा है, सिर्फ इंडेक्स को कॉल कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। इसको कॉल करने के लिए थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, मैं साइज़ कम कर देता हूँ। अब देखिए इसको कॉल करना है, अगर आपको इसको कॉल करना है तो आपको अलग से कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे यूआरएल में, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, उसको कॉल नहीं करना पड़ता। आपको समझ ये आपको पता भी होगा शायद, अगर आप HTML में या PHP में कहीं भी थोड़ा भी काम किए हैं तो आपको पता होगा कि ये जब भी जाता है तो पहले इंडेक्स को ही कॉल करता है और जो बाकी होता है उसको कॉल करवाना पड़ता है। तो जैसे देखिए मैं ये MES है ना, इसको मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से इसे कॉल कर सकते हैं, इसके बाद में आप लिखिए इस फंक्शन का नाम, ये मतलब एक PHP जो क्लास है ना, इसका नाम लिखिए, लिखिए वेलकम। अब वेलकम के अंदर सेलेस का मतलब अंदर, उसके अंदर है तो इंडेक्स का तो काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके अंदर ए है, यानी कि क्या है, MES है, तो MES हमें चाहिए, यानी कि MES चाहिए। आप डॉट पेज भी नहीं लिखना है, फिर MES चाहिए सिर्फ, अभी भी नहीं आएगा, देखिए आप नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वेलकम के अंदर आएगा ए इंडेक्स, उसके बाद में आएगा ए, या नहीं उसके बाद में नहीं है, जब भी आप करवा सकते हैं उसके बाद में या उसके पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में या पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको इतना जानना है कि हाँ देखिए अगर आपको ए वाला प्रिंट करवाना है तो आप MES लिखने से नहीं होगा, MES से पहले आपको लिखना होगा जो भी करवाना हो इंडेक्स के अलावा, MES के पहले आपको लिखना होगा इंडेक्स डॉट PHP, स्लैश गन लगाना होगा, उसके बाद में काम करेगा वो। इसी के देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे वेलकम आ गया, वेलकम किया, बाद में आया ये इंडेक्स डॉट PHP, क्या हो रहा कि अभी ये काम नहीं कर रहा, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे ला आता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ डॉट PHP। अभी मैं कहीं पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, ये देखो आ गया। क्या कहने का मतलब क्या कि अगर आपने इंडेक्स को कॉल करना है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे, इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बस इतना ही लिख दो, इतना ही लिख दो, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी कि इंडेक्स के अंदर जो भी होगा आप सिर्फ वेलकम लिखने से वो प्रिंट हो जाएगा। वेलकम लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वेलकम लिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए लिख रहा है वेलकम, तो वेलकम लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा कोई भी हो तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जब दूसरा, अगर आपको इंडेक्स के अलावा कोई और भी कॉल करना है तो उसका नाम लिखना होगा आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये देखिए उसका नाम लिखना होगा MES, लेकिन MES से पहले ये किसके अंदर काम कर रहा है, ये जो इमेक्स है ना, ये किसके अंदर काम कर रहा है, वेलकम के अंदर, यानी कि वेलकम के अंदर MES काम कर रहा है। उसके बाद में आप जो ये इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेलकम जो है, ये जो MES है ये मेन फाइल नहीं है, इसके अंदर का फंक्शन है, इसीलिए आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा। देखा दीजिए, देखिए ये आ गया, अभी जो जितना मैसेज था ना सारा मैसेज यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं कि हमारा ये मैसेज जो है इतना ही लिखने से इतना ज़्यादा प्रिंट क्यों हो रहा है ना, तो अब ये जानते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो दिस लोड होता है, लोड का मतलब लोड कर लो, जैसे होता है ना ट्रक में धान लोड कर दो या गेहूँ लोड कर दो या चावल लोड कर दो, वैसे ही लोड का मतलब लोड कर लो, किसको लोड कर लो, व्यू को। ये कह रहा है ये रो कि ये कह रहा पहले दिस मतलब क्या करना है, ये कह रहा है कि इसको लोड करना है, ये दिस जो है ना बोल रहा है कि लोड करना है, इतना किसको लोड करना है, तो एरो दिखा रहा है कि भाई इसको लोड करना है, एरो का चिन्ह का मतलब क्या है, लोड करना है, लेकिन किसको, अब एरो तो इधर गया है यानी कि इधर जो है उसी को लोड करना है, इधर जो है ना उसको लोड कर लो, व्यू को लोड कर लो, यानी कि आप आ जाओ व्यू पे, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इंडेक्स है, यूजर व्यू है, यहाँ पे ये तीन है, किसको लोड करवाना है, जिसका नाम लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर एक कोड लगा के, सिंगल कोड या डबल कोड दो कोई भी चलेगा, तो
उसके अंदर जिसको लोड करवाना है उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिए आप। जैसे मैंने इसको लोड करवाया तो इसका नाम लिखा है, इसके अलावा मैंने अगर किसी और को लोड करवाना है तो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे कि लिखना है यूजर व्यू, अगर मान लो इसको करवाना है यूजर यूजर व्यू को लोड करवाना तो इसको कर लीजिए। अब देखते हैं यूजर व्यू के अंदर कुछ अगर है तो प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है अभी, इसीलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है, यानी कि जो आपको लोड करवाना है वो मैसेज है। अभी तो आप फिर से आपको समझाता हूँ दोबारा से। ये कह रहा कि मैं आपको शुरू में जाता हूँ एक बार, इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखते हैं यहाँ पे, तो मैं समझाता हूँ यहाँ से, ये आ रहा है। तो ये कह रहा कि जो इंडेक्स के अंदर आपको समझ आ गया कि इंडेक्स पहले तो इंडेक्स ही कॉल करेगा है ना, तो इसको क्या होता है कि दिस लोड, यानी कि भाई लोड कर लो, लोड कर लो किसको, ये तो दिखा रहा है कि इसको लोड कर लो जो इधर जा रहा है ना, इसको लोड कर लो किसको, व्यू को लोड कर लो, यानी कि व्यू के अंदर है क्या, किस नाम से है, वेलकम मैसेज नाम से है, यानी कि यहाँ पे है। इसको यहाँ पे जितना कुछ लिखा होगा सारा यहाँ पे लोड हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब जो ये इसका मतलब है ना कि ये हमेशा आपको एक कोड में लिखना होता है, सिंगल कोड के अंदर लिखना होता है ये, या डबल कोड लिखें फिर भी चलेगा, लेकिन ये ब्रैकेट अगर आप छोड़ दिए तो नहीं होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर होगा। तो आप इसको लोड कर लो, यानी कि इस नाम का ये फाइल है व्यू के अंदर, उसको लोड करके यहाँ पे ले आओ, यानी कि इसके अंदर प्रिंट करवा दो। तो क्या होता है कि इसके अंदर देखिए ये मैसेज है सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ यहाँ से देखिए क्या लिख रहा है, देखिए सेम ही है, वेलकम कहाँ से शुरू हुआ थी, यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू है, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर, दिस इज द पेज, देखिए दिस इज द पेज सेम है, इफ़ यू वुड लाइक, देखिए इफ़ यू वुड लाइक, सब सेम है, जो यहाँ पे होगा ना सारा यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब क्योंकि ये जो फाइल है ये जितना यहाँ पे लिखा है ना ये सारा कुल HTML का कोड है, और HTML का कोड कभी भी कंट्रोलर या मॉडल के अंदर नहीं लिखा जाता, हमेशा लिखा जाता है किसके अंदर, व्यू के अंदर। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो आपको शायद मुझे उम्मीद है आपको आपको पता भी होगा। मैं आपको एक एक स्टेप स्टेप समझाऊंगा अभी, तो आज ये सिर्फ डायरेक्टरी देख रहे हैं हम। तो कंट्रोलर के अंदर इसने क्या किया, लोड कर दे बोल रहा किसको, व्यू को, व्यू के अंदर किसको, व्यू के अंदर तो और बहुत हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको लोड कर दे किसको, वेलकम मैसेज को, यानी कि वेलकम मैसेज जो है ये इसको लोड कर दे, यानी कि यहाँ पे जो है सारा कुछ आ गया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने का मतलब क्या हो गया, इसके ब्लॉक के अंदर आ गया, यानी कि इंडेक्स के अंदर आ गया, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब क्या हो गया, सारा कुछ कॉल हो गया यहाँ पे। समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई नहीं, आप ये वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब मैं कोडिंग करूँगा ना तो आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया भी होगा, आपको समझ आता भी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, गुड बाय।